संगमे चामे चामे हैं चिलचामे ओह माय गॉड क्या क्या एक्सपीरियंस है भाई। मछली देखो ये हो हो हो। तो आप लोग को लक्की लग रहा है कि नहीं मेरे साथ आप लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। मैं ये रास्ते में आने का टाइम में देख रहा था ना, यहाँ पे पूरा मशरूम है। आने का टाइम वाह वाह क्या सीन है, जूता उतर गया मेरा। ओह माय गॉड क्या रास्ता है, जा पाएगा ना? वीडियो भी देता है आप लोगों को, आप लोग देखिए सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का एक एक सपोर्ट ना मुझे आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों, की हाल चाल, तो की खबर अपना लोगों। तो दोस्तों फाइनली ना यहाँ पे स्टे किया था हम लोग, जो कल जो आप लोग ब्लॉग देखे लास्ट ब्लॉग देखे तो यहाँ पे स्टे किया। अभी बरसात दे रहा है, देखिए पूरा बरसात दे रहा है। भैया का घर में स्टे किया था हम लोग, तो भैया को बाय बाय बोलते हैं। और मुझे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, मतलब गाड़ो पीपल का, वो लोग मतलब पेड़ पौधा का बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यार करते हैं। आप देखिए पूरा यहाँ पे पेड़ पौधा एकदम पूरा भरपूर है। और मुझे ये क्रिसमस ट्री भी देखने को मिला यहाँ पे, जो इसको क्या बोलते हैं भैया, एवरग्रीन बोलता है इसको, एवरग्रीन बोलता है। उसके बाद ना इधर से आप जब ऐसा जाएगा ना, इधर से नीचे से पूरा साफ पानी बह रहा है, एक अलग ही लोकेशन है। और यहाँ पे डीपू भाई है, तो डीपू भाई चलो हम लोग का जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। सब प्लेन चौपट हो गया गाइस, बारिश के वजह से सब घर घर एंजॉयमेंट, मेरा गांव सब एक्सप्लोर करो, रूम भी दिया बोले पॉपुलर हो जाओ मेरा। ईदन भरे तो हो गई, ईदन भरी सब ब्यूटीफुल। और ये दिखे, और एक दिखे ना, ये दिखे ना, वाह क्या बोलू आप लोगों को, मतलब। तो चलिए दोस्तों निकलते डायरेक्ट मोटो ब्लॉग में। तो दोस्तों आज भी का नज़ारा ये है कि पूरा लाल माटी हो गया, तो ऐसा करके जाना पड़ेगा हम लोग को। तुम हम रास्ता से जाएगा क्या? हाँ भैया बाय बाय। वाह क्या नज़ारा है यार, क्या बोलूँ आप लोग को, भाई। मैं एक बात सोच रहा हूँ, मतलब हर मॉर्निंग अगर ऐसा एक एनवायरनमेंट से आप ड्यूटी स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो क्या मस्त है ना, वाह माइंड कितना रिफ्रेश रहेगा। वाह जो देखता है ना टीवी भी, मैं पहले देखता था ना, इस टाइप का गांव में आ गया यार, घूमते घूमते कहाँ कहाँ आ गया। सच में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये सब मेरा एक सपना था, मतलब बोलेगा ना सपना था, वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर योर ब्लेसिंग। डीडी नेशनल में आपका ये शाम का टाइम में एक नोटिस बोल के एक चैनल आ जाता था, उसमें ना वो वो गाड़ो हिल्स हो गया वो सब दिखाता था। हाँ वही, मतलब उतना छोटा में देखा था। तो अभी तो केबल सबल आ गया, तब तो केबल सबल का भी इतना नहीं था। तो दोस्तों उस टाइम का जो है ना वो अभी, मतलब वो सब देख रहा हो कितना एक अच्छा, मतलब ना वो अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो और एक ट्राइब पकड़ लीजिए एक्सप्लोर हो गया, गारो ट्राइब और डीपू के वजह से। तो मतलब लगभग, और मुझे आप लोगों को कुछ देना है लेकिन टाइम ही नहीं मिला, मतलब एक सरप्राइज एक देना है, रिसेंटली दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। तो आप लोग बस बने रहिए दोस्तों, मिलते रहेंगे, और तो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों हम लोग निकल गया, पूरा बरसात दे रहा है, प्लानिंग मैक्सिमम प्लानिंग चौपट हो गया, उपाय नहीं। बरसात में आप लोग ना आज जाते जानते ट्रेकिंग नहीं कर सकते, और बहुत प्रॉब्लम है, और पानी ज़्यादा होने से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बाई चांस कुछ होगा तो, मतलब तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लिया। तो गाड़ो हिल्स का बेस्ट टाइम है, मतलब जब बरसात वर्षा नहीं देता है ना, जो सीज़न में, वो सीज़न में आप आओ। तो एक्चुअली मेरा तो फटक से हो गया, बिकॉज आप, मैं बोला था आप लोगों को मेघालय का वीडियो में, आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो फिर से मैं मेघालय आऊँगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेघालय आ गया, और डीपू भाई को कॉन्टेक्ट किया, डीपू भाई के साथ एक साथ आ गया। तो यहाँ से एक यहाँ पे एक सुंदर सा चर्च दिखाई दिया। तो डीपू का हिसाब से पहले रास्ता बहुत ख़राब था, अभी मतलब डेवलप हुआ है। तो मतलब कुछ इस तरह का बात है, रास्ता थोड़ा बन रहा है, थोड़ा हो गया। और बरसात मतलब, और कल क्या बरसात दिया, मतलब सोचा टीन उन फूट जाएगा क्या नहीं,
तो दोस्तों रोंगरांग बाजार से हम लोग जा रहे हैं अभी। रोंगरांग पूरा मार्केट है। आज क्या बार है? आज आपका फ्राइडे है ना? आज फ्राइडे, तो फ्राइडे मार्केट दोस्तों। तो रोंगरांग बाजार हम लोग क्रॉस करके अभी जा रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम की दिखाई दिया और वेजिटेबल, चिलीज, फिश, एवरीथिंग है यहाँ पे। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे रुकना नहीं, हम लोग को जाना है। और ये सामान अभी लेके कैसे जाएगा वो भी बात है। तो वो पूरा फ्रेश 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 आपको मिलेगा एकदम, वो तो सही है एकदम फ्रेश। और मतलब पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा। तो वैसा हम लोग बाजार को क्रॉस करके अभी जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी हम आज क्या होता है देखते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा भी बरसात नहीं है, लेकिन उधर में क्या बरसात दे रहा था। और भैया लोगों ने, लोकल ने भी वो जगह में जाने के लिए मना किया, क्योंकि अभी बरसात दे रहा है ना, तो रिक्स है। तो रिक्स लेके देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर अब टाइम होगा तो फिर से आ सकता है, लेकिन रिक्स लेके कुछ काम करने से ना प्रॉब्लम होता है। मिथिला, तो मिथिला बोल के हम लोग निकल गए दोस्तों एकदम। लोग ऐसा मौसम है, मतलब पूरा एंजॉय करके जा रहा है। तो अभी पाइकान पहुँचेगा, पाइकान से हम लोग जाएगा, कहाँ जाएगा पाइकान से? पाइकान से विलियम नगर होके जाएगा। वो पाइकान से विलियम नगर होके जाएगा दोस्तों। जनतकड़ा बना दे तारे ने पसंद मेनू है ता सारे राते मेरे तारियां ने मिट तन मैं देखी की मेरी आंख लग जा मिट तार लगूंगा दिल तारे लार मिट लार बन गए तेरा दिल रे मिट मतलब जंगल। ये क्यों स्पेशल है? ये ब्रिज के वजह से ऐसे फेमस है। और वो पहाड़ इधर से फोटोज वगैरह क्लिक करने से पहाड़ वगैरह दिखते हैं, तो खतरनाक वाला सीन है। ओके ओके, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे फोटो वोटो खींच लेता हूँ। नीचे से दिखे, थोड़ा नीचे का लुक दिखे। तो जंगल में है अभी। तो फाइनली हम लोग सियाडिंग पहुँच गया, और सियाडिंग में देखा मार्केट बैठ रहा है पूरा। अभी भी मार्केट है। रोंगकैम पिकनिक स्पॉट दोस्तों, गारो हिल्स के रोंगकैम पिकनिक स्पॉट। तो दोस्तों सिमसांग के लिए, सिमसांग मतलब नदी, सिमसांग मतलब गारो में नदी। तो सिमसांग के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी लोकेशन में। तो रास्ता मतलब थोड़ा ख़राब है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो ये आपका पिकनिक स्पॉट, और भाई बोलने का हिसाब से ये पहले अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा ख़राब हुआ है। आई थिंक किस लिए हुआ तो वो तो मुझे रीज़न पता नहीं है, लेकिन दोस्तों फाइनली आपका वो मैप लगा दिया, तो मैप देख सकते हैं आप लोग। तो अभी जा रहा है आपका विलियम नगर। विलियम नगर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। विलियम नगर के बाद भाई कहाँ ले जाता है वो देखते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और इस तरह से राइड स्टार्ट हो गया। फिर से थोड़ा टाइम वहाँ पर रुका, आया तो भाई एक्सप्लोर करो ना, आया तो एक्सप्लोर करो, वही मेरा बात है। फाइनली आपका देखिए विलियम नगर 8 किलोमीटर। तो हम लोग जाएंगे अभी विलियम नगर, तो हम लोग राइट लेना पड़ेगा दोस्तों। ओके, ये पे मामा है रे, पहले सुना था विलियम नगर पूरा, तो आज वो भी एक्सप्लोर कर लिया। क्या मतलब एक्चुअली ना एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ, मतलब क्या है आपका, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट आसाम, हाँ जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट है ना, उसमें ना इतना प्लेस है ना, आप अगर ट्रेवल करोगे ना तो आपको दूसरा जगह जाने का ज़रूरत ही नहीं। जाएगा तो सब जाएगा, लेकिन वो ट्रेवल कंप्लीट करने में ही आपको बहुत दिन चला जाएगा।
तो नॉर्मली मैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर लेगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या करेगा। पे आया था ना जब विलियम नगर जाने के लिए ना, तो मैं ये रास्ते में आने का टाइम में देख रहा था ना, यहाँ पे पूरा मशरूम है। आने का टाइम में भी बहुत देखा, तो इस बार सोचा कि रुक लेता है और देखता है थोड़ा ये सब मशरूम। ये सब आई थिंक ये सब आप लोग कहाँ से कलेक्ट किया, जंगल से ना, फॉरेस्ट से ही कलेक्ट किया है। और ये सब खा सकता है, अगर घर सामने होता ना तो श्योर ले जाता, बना के खाता, लेकिन घर तो बहुत दूर है दोस्तों, ये लेके कैसे जाएगा। और डिक्की में भी पूरा सामान भरती हुआ है, ओह, और पूरा स्लिपी है, और पूरा यहाँ पे मशरूम है दोस्तों, इसलिए रुका यहाँ पे पार्टिकुलरली। तो यहाँ से अभी विलियम नगर के लिए निकलता है, तो 3.2 किलोमीटर लेफ्ट दोस्तों। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गया, यह एक पार्क दिखाई दिया सामने, और इस जगह का नाम क्या है, विलियम नगर। विलियम नगर डायरेक्ट मेन विलियम नगर में हम लोग। अच्छा अच्छा, सिविल हॉस्पिटल, ओके, विलियम नगर सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छा, इस जगह का नाम सिनेमा हॉल, मैं पहले बोला सिनेमा हॉल जाएगा। ये है ये पार्किंग इधर पे, यही पार्किंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से मतलब गाड़ी वगैरह सब इधर से मिलते हैं। ओके ओके, तो फाइनली दोस्तों डीसी ऑफिस रोड पहुंच गया। हाँ, जंक्शन आप लोग शिलोंग के लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट शिलोंग का बस यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। ओके, हम लोग का लोकेशन तो लगभग पहुंच गया दोस्तों, यहाँ पे तो पहुंच गया। मोबाइल थोड़ा खोल लिया क्योंकि चार्ज का भी इशू है ना, तो इसको थोड़ा खोल लिया, अभी लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी उसका दोस्त से मिलने गया है, उसको बोला आओ आओ बोला, लेकिन हम कहाँ आओ बोला क्या बोला, मेरा एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो वो कहाँ चला गया, तो अभी उसको ढूंढता है, उसके बाद मिलता है। पर्सनल ओके ओके ओके, हेलो, आपका नाम थंगबर्ड। हेलो, तो एक्चुअली दोस्तों मैं फाइनली ना गाड़ो हिल्स पहुँच गया, और यहाँ पे यूट्यूब, हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे थंगबर्ड भाई मिल गया, और आपका नाम संगमे चामे छिलछामे, ओके हाँ। और ये तो डीपू भाई, तो हम लोग आए हैं, अभी देखता है क्या होता है। नहीं, वो जो दोस्त आया था डीपू भाई का, तो डीपू भाई का दोस्त के साथ हम लोग अभी जा रहे हैं, कोई एक लोकेशन में ले जा रहे हैं डीपू भाई, मेमो लेक ना, हाँ, तो मेमो लेक में जा रहे हैं दोस्तों। और तो अभी देखता है क्या होता है दोस्तों, मेमो लेक एक्सप्लोर करते हैं। और भाई लोग, भाई और दोनों एक्चुअली जो मिला है ना, वो भाई और सिस्टर है, दोनों फ्रेंडली था, जितना टाइम बात किया हमारा फ्रेंडली है। और देखता है क्या होता है दोस्तों, और कल घर को भी निकलना है दोस्तों, क्योंकि काम भी है, नहीं तो काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट एक्सप्लोर कैसे करेगा, वो भी है ना। तो कल दो तीन दिन के लिए जो पैसा कमाया था ना, वो सब सफा हो गया, अभी फिर से कमाओ। यूट्यूबर लोग कमाता है वैसा आजकल ले यार, जो ना 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 एक रुपये भी इनकम नहीं, जो खुद कमाता हो खुद घूमता हो ऐसे भी, हाँ वो तो देखो, हम लोग तो घूम के अच्छा ही लगता है, वैसे घूमेगा ही। और उसके बाद ना वीडियो भी देता है आप लोग को, आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का एक एक सपोर्ट ना मुझे आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आगे ना अभी हम राइट टर्न लेगा, एक्चुअली भैया लोग का साथ, भैया मतलब हम लोग तो मेरा से छोटा ही होगा ना, छोटा, हाँ, तो भाई के साथ, भाई और सिस्टर के साथ हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन में, और हम जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी कहाँ लेके जाते हैं अभी। तो सच में यार, मतलब क्या बोलूँ, एक्सप्लोर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब मुझे कुछ कुछ जगह और एक्सप्लोर करना है। और फिर से आएगा डिपू का भाई का, अभी तो उसका भी बेचारा का एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भी दे दिया, उसका भी एडमिशन है, हाँ, तो उसको भी इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता है। और ख़ुद का भी बात है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, हम लोगों को तो कुछ पे नहीं हो रहा है ना, ऐसे भी घूमता था, घूमने का तो बात नहीं, पे का बारे में नहीं है, मतलब घूमता है, लेकिन देखिए अभी ऐसा है, घूमता है तो घूमने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए काम को टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा, ऐसा मतलब पूरा रोटेट है ना। तो जो कुछ दिन करके, मतलब 15-20 दिन काम करके जो पैसा मिलता है, उसे ट्रेवल के लिए निकल जाएगा। तो अभी डिपू
भाई का भी मतलब क्या है, वो भी गुवाहाटी आ रहा है, तो डिपू भाई के साथ बहुत सारा ब्लॉग तो मिलेगा ऑलरेडी। और ये जो इधर में खासी हिल्स भी है और आपका गारो हिल्स, और मैं एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों, क्योंकि मतलब इस बार मतलब क्या हुआ, हम लोग बरसात का टाइम में आ गया ना, और बरसात का टाइम में मतलब उधर का लोकल भी बोल रहा था कि उस जगह में मत जाओ, हाँ तो जाने से प्रॉब्लम होगा, और वो लोग नहीं चाहता है कि हम लोग को हम लोग का प्रॉब्लम हो, दैट्स वाई वो कुछ लोकेशन में इस बार नहीं हुआ, और हम लोग फिर से आएंगे डिपू के साथ। दोस्तों यहाँ पे ना आपका सब ये क्या बोलता है, इसको रबर, रबर का खेती जो होता है ना वो, हाँ रबर बगान एवरीथिंग जो पूरा प्रिपेयर, मतलब ये आई थिंक पानी नहीं गिरने के लिए ऐसा सिस्टम करके रखा है, ज़बरदस्त का सीन है मतलब, मतलब हम लोग को अच्छा लगा, मतलब सच में मुझे तो अच्छा लगा, और मतलब ना क्या बोलता है, जब मतलब पूरा मिलजुल के अच्छा लगता है, सब कुछ एक्सप्लोर करके अच्छा लगता है, सबके साथ बात करके अच्छा लगता है, सब फ्रेंडली हो तब ना और अच्छा लगता है ट्रेवलिंग में, जर्नी में वो थिंग, तो वो तो बात है। और रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है भाई, और हम लोग जा रहे पीछे पीछे क्योंकि उन लोग को फॉलो कर रहे, और दोस्तों अभी थोड़ा ऑफ रोड हो गया ना, तो आप लोग जाते हैं वाह वाह अच्छा, क्या सीन है, वाह क्या सीन है, ये आराम से हम लोग तो आराम से जा पाएगा, क्या हो गया जा पाएगा, जा पाएगा ना, क्यों नहीं पाएगा, तू तू उन लोगों के साथ बैठ जा। दोस्तों फिर से पूरा पूरा ऑफ रोड एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ अभी, ओ माय गॉड क्या रास्ता है, क्या रास्ता है दोस्तों, रास्ता तो एकदम ज़बरदस्त है, और ऑफ रोड एक्सपीरियंस लेके अलग बात है यार, अच्छा लगता है। तो आई थिंक अच्छा बहुत 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 रास्ता ख़राब है दोस्तों, बहुत ही रास्ता ख़राब है, बना रहा है यार, रुक जा अभी हम लोग कहाँ से जाएगा, बीच में से चलो, बीच में से जाएगा ना, तो जूता उता जाएगा अभी मुझे पता है, जूता ओ बाप क्या रास्ता है यार, कोई बात नहीं हम लोग तो सुंदर विश्वकर्मा बाबा की अच्छा है नाइस रास्ता। दूसरा रास्ता सर नहीं लाया, दूसरा रास्ता भी था, हाँ आओ, थैंक यू थैंक यू, आएगा तो वो लोग बोल रहे हैं कि और आओ विलियम नगर। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं डिपो, हाँ हाँ निंगमंडल फिश सेंचुरी, ओके ओके, तो यहाँ पे जाएंगे अभी, तो थोड़ा ये खोल लेते हैं भाई, ओके यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा मछली है, ये ओ दोस्तों मछली देखो, ये बाप रे बाप। आप लोग शायद सोच रहे हैं ये मछली पकड़ के खा लो, एक मछली अगर फूलों से भूल से पकड़ के खा लिया ना 5000 फाइन, और आपको वो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक रूल है, रेगुलेशन है, जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग फिश को भी बहुत प्यार करता है, मतलब इस टाइप का मतलब गारो हिल्स का पीपल है, फिश लोग को भी वो लोग प्यार करता है, वो टाइम में वो लोग निकालता है, वो निकालने का टाइम है, और गांव का लोग एक टाइम में निकाल के वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोस्तों। ऐसे आप यहाँ से एक भी मछली निकाल नहीं सकेगा, एक मछली निकालेगा तो 5000 फाइन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ पे जाएगा, हो
तो आप लोग को लकी लग रहा है कि नहीं, मेरा साथ आप लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, वो माई गॉड। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है, और ये प्लास्टिक इसको मैं पॉकेट में रखता है क्योंकि प्लास्टिक नहीं फेंकेगा हम। और मछली देखिए दोस्तों, मछली देखिए, तो और आगे नहीं जाते, वही है बस। तो इधर से निकल जाते हैं, और क्या मेमो लेक ना कहाँ जाएगा बोला, वहाँ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ना गारो हिल्स का, हाँ गारो हिल्स का एक सुंदर सा स्कूल लेवल का लोकेशन अपने मेमोरी में लेके निकल दिए मेमो लेक के लिए। तो ओ माय गॉड, तो ये आप और एक कवर करना पड़ेगा। हाँ देखिए ना क्या भूटेगा अभी, वो आओ गाड़ी भी जा सकेगा। तो यही है मेमो लेक, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, यही आई थिंक यही मेमो लेक है, कुछ लिखा हुआ होगा, लिखा देखने के बाद अच्छा लगेगा। तो व्हाट ए व्यू, और फाइनली एकदम अंदर में हूँ दोस्तों, एकदम अंदर में हूँ अभी, बट स्टिल यहाँ पे नेटवर्क वर्क कर रहा है और काम कर रहा है। और यही है आपका मेमो लेक, और यहाँ पे पूरा ज़बरदस्त मेमो लेक हो ही। और फाइनली मेमो लेक में आ गया, हम लोग को लेके आ गया मस्त इधर में। ओ सॉरी सॉरी, हम वीडियो का जोश में। तो भाई आके झूला झूलने लग गया ओ बहुत पीसफुल प्लेस है, आप लोग आते रहे तो यहाँ पे। I don't know Hindi, मालूम। Okay, okay, you don't know Hindi? Okay, okay. अच्छा, I just told you that कि you come here in every moment, every time. Yes. Okay, okay. My English also फुटा फुटा English. Okay, okay. फाइनली ना वो आप लोगों ने, आप लोगों को थैंक यू सो मच इतना अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ज़रूर, और बाय बाय। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, और तो देखिए एकदम गारो हिल्स का अंदर हैंगिंग ब्रिज में बाइक, और यहाँ पे एक ही जा सकता है, हिलता भी है दोस्तों। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्या क्या एक्सपीरियंस है भाई, अच्छे से चलना पड़ेगा ना। एक वायर टूट गया तो क्या होगा, वायर टूट गया तो टूटने से कोई नहीं होगा, ऐसा टूटने से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे एरिया से गाइस नदी है, वो गाने पे नदी जो यूज हुआ, ये नदी था मतलब, वो भी उस साइड पे ये नदी सेम है, स्टेशन दूसरा था, वही नदी लग रहा है, क्या बोलते हैं भूल गया भाई। तो फाइनली ऑफ रोड कम्प्लीट, और मिलते हैं दोस्तों। इधर से अब बागमारा जा सकते हैं, जो क्या हाथ था वो बागमारा नांगोल, नांगोल वारिसोरा इधर से जा सकते हैं, लेकिन हम वारिसोरा एक्सप्लोर करने तो नहीं आए, ये जगह का नाम है नेंगखरा। तो दोस्तों इधर से चलते हैं हम लोग फिर से राइट स्टार्ट। दोस्तों रोंग जगह आया था कुछ खाना ढूंढते हुए, और यहाँ पे ना एक दोस्त मिल गया, तो यहाँ पे रोहित भाई मिल गया। तो कैसे हो भाई? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। उनका उनका मतलब क्या है, बाइक उसका डिपू का ब्लॉग में देखा था, अच्छा मॉडिफाई किया भाई सच में, जो कलर है ना बाइक का वो अच्छा किया। कहाँ से किया ग्राफिक्स? कृष्णा से। अच्छा टोटल रेपिंग कितना पड़ा? रेपिंग का 6000 पड़ा, और बाइक का फुल मॉडिफिकेशन अब तक 25000 चला गया।
अच्छा तो रेपिंग का कितना बोला? रेपिंग का 6000 6000 और टोटल मॉडिफाई 25000 बहुत अच्छा क्या काम वगैरह सब लगा और खोल दिया ये नीचे का ये क्या बोलता था अंडरवेली अच्छा ओके ओके तो भाई का एक यूट्यूब चैनल है रोहित जहन तो प्लीज़ चेकआउट और इंस्टा भी है तो चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। तो फाइनली दामरा पहुंच गया पूरा एकदम येलो येलो फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे दामरा पहुंचने का ना रॉयल कार डेकोर बोल के एक है मतलब ग्वालपाड़ा या दामरा ग्वालपाड़ा असम फ़ोन नंबर भी है दोस्तों। यहाँ पे ना बहुत मस्त मस्त सब आपका कार का एवरीथिंग मॉडिफिकेशन आपका सब कुछ मिलता है मतलब साउंड होके और गाड़ी का मॉडिफिकेशन का सामान एवरीथिंग मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आपका ये सब देखिए पूरा ओ डीपू भाई मुझे क्या चाहिए ना एवरीथिंग मिल जाएगा ना ओके तो एक बार लोकेशन बता दो तुम्हारा। ये लोकेशन है दामरा बाजार मेन बाजार को आप थोड़ा सा आगे आएंगे दामरा बाजार को क्रॉस करके अगर दूसरे से आ रहे हैं तो दामरा बाजार को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये रॉयल कार डेकोर आपने दिखा दिया होगा। ओके ओके एवरीथिंग अवेलेबल है गाड़ी का जो ग्राफिक्स वगैरह जो लगाना चाहते हैं या पार्ट्स वगैरह कार हो बाइक हो जो भी ग्राफिक्स लगाना आपको आप चाहते हैं वो आप इधर पे हो सकते हैं। ओके मतलब बाइक का भी हो जाएगा बाइक का ग्राफिक्स वगैरह एवरीथिंग ओके ज़्यादातर गाड़ी का रखा है सब माल आप देख पा रहे हैं। हाँ हाँ मैक्सिमम गाड़ी का है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली निकल गया अभी घर के लिए तीन घंटा 8 मिनट दिखा रहा है मेरा घर तक। तो डिबू भाई जाते हैं मिलेंगे एक साथ स्किप ना करो बड़े बंदूक कॉल बहुत स्किप करे आपने लगे देख लव कम। हाँ डिबू के घर धुनिया धुनिया मेमोरी लगे ना ऊल्ई गई तो बंदूक भल लगे दी मतलब अच्छा लगा बहुत अच्छा अच्छा मेमोरी लेके निकल गया। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं गुवाहाटी पहुँचती मुझे गाड़ी को थोड़ा वॉश करना है और यहाँ पे भाई का दुकान है भाई का दुकान में थोड़ा मतलब रुक जाएगा वहाँ पे उससे बात उत करके दोस्तों निकल जाएगा और गाड़ी भी वॉश करना है गाड़ी भी बहुत गंदा हो गया है। भाई नहीं है क्या निकलता है क्या काम कर रहा है वो मंदिर मंदिर का ना चलो ठीक है निकलता है। हाँ थैंक यू भाई थैंक यू आएगा हम दो या मैक्सिमम 3 वीक के बाद आ जाएगा। हाँ ठीक तो फाइनली दोस्तों निकल गया गारो हिल्स का मेमोरी लेके डिपू भाई के साथ एक साथ हम लोग बहुत एक्सप्लोर किया और नेक्स्ट हम फिर से गारो हिल्स में मुलाकात होगा उस ये वादा करता हूँ आप लोग से। और थैंक यू गारो हिल्स का पीपल आप लोग इतना प्यार दिया मेरा वीडियो में मतलब थैंक यू सो मच और सपोर्ट कीजिए फिर से आऊँगा फिर से मिलूँगा एकदम धमाका ब्लॉग आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग ट्रैवल ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।